बड़न के गोड़ लागी और छोटन के राम राम उसको पढ़कर परम श्रद्धेय जिलाधिकारी महोदय
सभी अधिकारी प्यारे बच्चों, एक मिनट भाई, चलो साथ साथ जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय हैं, उनका मैं संदेश आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया से ध्यान पूर्वक सुन रहे सभी लोग, सभी छात्र छात्र हैं। द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश। मुझे द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर सभी नागरिकों, विशेषकर हाल ही में पंजीकृत हुए मतदाताओं को बधाई देते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस राष्ट्र निर्माताओं द्वारा हम सबको दिए गए संवैधानिक अधिकारों को समर्पित है, जिन्होंने धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, भाषा या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से मतभेद किए बिना प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यस्त मताधिकार, लोकतांत्रिक संरचना की मर्यादा बनाए रखने के में गर्व महसूस करता है तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की अधिकाधिक सहभागिता के लिए प्रयासरत है। निरंतर प्रयासों के द्वारा हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के पश्चात हमारे देश के 75 करोड़ मतदाताओं की निर्वाचन नामावली तैयार करने में सफलता पाई है। उपाय है, या तो वे हमारे पहुंच से बाहर है या अनिश्चित तरह तटस्थ है। हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति पंजीकृत हो तथा पंजीकृत व्यक्ति अवसर आने पर सभी निर्वाचनों में हिस्सा ले। इस प्रकार हम अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए संविधान द्वारा दिए गए सर्वोत्तम उपहार का प्रयोग कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। आज जो हम शपथ लेंगे वह हमारा स्वयं में, हमारे देश में तथा लोकतंत्र की प्रति हमारी आस्था का राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बधाई देता हूँ और सभी से ये अपील करता हूँ कि लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनकर हमें अधिकाधिक सफल बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सहभागिता एक मजबूत, जीवंत और अधिक परिपूर्ण लोकतंत्र की ओर लेके जाएगी। जय हिंद। अभी आदरणीय राष्ट्रपति के चरणों में दीप प्रज्वलित करने के पश्चात सभी को एक शपथ दिलाएंगे मतदाता दिवस पर, और उसके पश्चात यहाँ से रैली का शुभारंभ आदरणीय आयुक्त महोदय और डीआईजी महोदय करेंगे। पश्चात लड़के रहेंगे और एनसीसी के कैडेट रहेंगे और ये अपना बैंड जहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय डीआईजी महोदय का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपकी उपस्थिति हमेशा एक प्रेरणादायक रही है, इसलिए बहुत जी महोदय की उपस्थिति में एक बार फिर जय बोलेंगे। भारत माता की, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र। अर्जुन साहब हाथ उठा के बोलो, आपने सबसे ज्यादा पंडित जी के और नानक जी। अब आप करते हैं ये रैली आपकी जयंती गांव से होती और नेता करते पहुंचेगी। आपके बीच में उपस्थित है, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय मत सभी एक मिनट भाई शांत सभी बच्चों से अनुरोध है कि आपके बीच में लोकप्रिय आयुक्त महोदय परम श्रद्धा श्री भुवनेश कुमार साहब आपके बीच में उपस्थित है। मैं जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब और परम श्रद्धा आयुक्त महोदय का स्वागत कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई। भारतीय लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार कार्ड के साथ आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। परम श्रद्धा आयुक्त महोदय,
हमारे अतिथि हमारे आयोजन से मिल सत्कार करें, माँ सरस्वती पर दीप प्रज्वलित करें एवं पुष्प अर्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती का माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के आज के मुख्य अतिथि हमारे मंडलायुक्त श्री भुवनेश कुमार जी और जिलाधिकारी महोदय श्री अनिल कुमार जी और उनके साथ संपूर्ण प्रशासन, द्वारा अतिथि देवो भव। जैसा कि हम सभी भारतीय पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम में पधारे अतिथि हमारे देव तुल्य होते हैं, मैं सर्वप्रथम शपथ ग्रह समारोह के लिए आदरणीय हम सबको शपथ दिलाएंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय, आज 25 जनवरी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और बहुत ही कम समय में एक महीने के अंदर ही मेरे में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो आज के इस पावन पर्व पर हम सब लोग ये शपथ लेंगे। मैं ये शपथ करूंगा, मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि ये शपथ मेरे साथ हो रहा है। पीछे के बच्चे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अब हम शपथ लेंगे, आप मेरे साथ हो रहा है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को क्षण करते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी लोग कहेंगे अच्छे लोकतंत्र में अच्छे लोगों का चुनाव करें, यही हमारा नैतिक कर्तव्य है। बताते हुए समाज को जागरूक करते हुए ये रैली यहाँ से भी प्रस्ताव करें कि सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाए और उनसे अपेक्षा की जाए कि वे प्रेरित होकर अपने घरों से बाहर आए और मतदान हम
आह्वान करता हूँ कि उन्होंने हर कार्यक्रम में हमारे इस कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम को बहुत ही मजबूती के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। सभी बधाई के पात्र हैं और इसी प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा साथ देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमरी देश के आत्मा जे बस ले गाँव का, अरे बड़न के गोड़ लागी, अरे छोटन के राम राम। देश के मतदाता।
की होगी भागीदारी, अरे सब माई बहन भौजाई की भी हरी होवे हिस्सेदारी। पढ़े लिखे युवा वर्ग तुम भी अब जागो, अरे चुनाव में वोट करो जिम्मेदारी से ना भागो। अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागर जागा देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो, अरे बहना भैया रे, अरे जागो जागो सखिया रे सजलिया, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो गौवा शहर के लोगवा, अरे जागो रे जागो पास पड़ोस के लोगवा, अरे जागो रे जागो देश के मोर भैया, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता रे, जागो जागो रे जागो जागो रे जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। कृष्ण साहब के आदेशानुसार हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके कोऑर्डिनेटर हमारे डीआईएस महोदय श्री कमलेश कुमार जी हैं, और उन्हीं के आदेश पर सभी शिक्षण संस्थाएं यहाँ अपने कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सभी लोग अपना संदेश देना चाहते हैं जनता को कि हमें मतदान जरूर करना है, उस दिन हमें भूलना नहीं, आराम नहीं करना, पिकनिक नहीं मनाना, हमें 2 मिनट निकाल करके मतदान करना है, और ऐसे व्यक्ति को मतदान करना है जो सही हो, शिक्षित हो, हमारे क्षेत्र के विकास की बात करता हो। हमें उन लोगों के बहकावे में नहीं आना जो हमें कभी जाति के नाम पर लुभाने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म के नाम पर। विकास की बात वो नहीं करते, वो हमें जाति और धर्म की जर्जर होती हुई बेड़ियों में जकड़े रहना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि बेड़ियों में जकड़े हुए आदमी को अपने अनुकूल चलाना आसान होता है। यदि हम इन बेड़ियों को उतार कर फेंक देते हैं, जाति और धर्म की इन जंजीरों को उतार कर फेंक देते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्र होकर के चिंतन कर सकेंगे कि हमें किसको चुनना है, कौन ऐसा है जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए विकास करे, कौन ऐसा है जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे। व्यक्तित्व ऐसा चुनना है जो अपने वैभव का स्तर चुनाने में बढ़ाने में नहीं, अपने वैभव के विस्तार में ना दूर डालिए और चले पूरे जानते हैं जो जब वोट डालने का समय आता है तो हम पता कई बार डाल सकते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है, हाँ समझ आता है, मैंने भी डाला जो बहुत सालों से डालते चले आ रहे हैं, मैं उन्हें भी बना सकती हूँ, उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको अच्छी कर सकता हूँ। अक्सर कहकर सुनती हूँ, अरे क्या डाल है सभी कहते हैं, हम किसको वोट दें सब एक है, मुझे कोई हमें तो कोई मतलब जो सुना जाए। अब चुनने का काम फिर किस पे रह गया, चुनने का काम वो करते हैं जो बेचारे उन्हें समझदार है, क्योंकि समझदार ने तो ये सोच लिया कि जितने खड़े हैं वो सब बेकार है, वो
वोट डाल के क्या करना है, और वोट डाल के वो आए जो अभी सही और उस सही को के साथ में हमारे सभी रिटायर्ड हमारे कमिश्नर साहब हमारे डीएम साहब एएन साहब सभी रिटायर्ड का नाम ने जैसे वो प्रयोग करके नहाते हैं आज के साथ ही तुरंत ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं 5 साल लड़ा आपको इस बात के लिए कि आप भी मदद कर सकें कि आप वोट हमारे आने वाले का नहीं है, हमारे यहाँ मतदान इच्छा पर है। हमसे ये कहा गया है कि ये हमारा नागरिक अधिकार है, ये नहीं कहा गया कि मतदान आपको जरूर करना है, आप नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में शायद $25 या $30 फाइन लगना उनके कि जो कुछ लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए वोट करो मजबूत बन के एक बार हम सब आश्वासन के साथ खड़े होकर कहेंगे कि हम सब वोट करेंगे और अपने घरों में जो भी जिनका भी मत है उनको वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे।